So let's start. Hello and welcome to Science Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. समस्तों का हम चैनल को स्वागत हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे एबे जो बीएड आर्ट्स पाई जो 20 मार्क रो हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ोजे ता उपरे आमे क्लासेस आनु छु एवं सेई क्लास रो जेत की सब सिलेबस अनुसार जहां जहां भी अछि आमे ताको विविडली पढ़ो छु. ओके, तो प्रीवियस क्लास रे आमे फंडामेंटल राइट्स उपरे पढ़ैतिले. तो फंडामेंटल राइट्स उपरे आमे किछिटा जानतिले. तो तुमको मुझे अभी किसी क्वेश्चन आलोचना कर दबा, तुमको किसी क्वेश्चंस पचार देवी, तो तापरे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स ऊपर आखिरी क्लियर ही जीवो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ला, एडा मु तुमको कही थी भी, अम्मो कॉन्स्टिट्यूशन रो, अम्मो संविधान रो, क्यों आर्टिकल को वा कितने नंबर आर्टिकल को, अम्मो संविधान रो हार्ट एंड सोल को आ जाए, क्या कोई पेरियो, हु कैन से, अम्मो संविधान रो कितने तम आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कह जाए एटा एवं किए कही थे. तो तुम्हें है 10 सेकंड टाइम. कह कह किए कही थे थे मन पकाओ. आर्टिकल 32 को आम संविधान रो हार्ट एंड सोल कह जाए, बुझी पार्छ. आर्टिकल 32 तापरे कौन आर्टिकल आमर इक्वालिटी प्रोटेक्शन लो इक्वालिटी बिफोर लो विषय कौन आर्टिकल आमर इक्वालिटी equally protection of the law equally equality before the law क्यों आर्टिकल कौन सी थोड़े मन पका. अरे आर्टिकल 14 कहूँ आम संविधान रो समस्त को इक्वली प्रोटेक्शन दिया जीवो, इक्वली समस्त नियम रहिवो, न्याय रहिवो, इक्वली समस्त रूल्स रहिवो. तो आर्टिकल 14 सेज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी प्रोटेक्शन लो बा इक्वालिटी बिफोर द लो. ओके, देन एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्यों आर्टिकल रे अछि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल क्यों आर्टिकल रे अछि इन व्हिच आर्टिकल वी रीड अबाउट द एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स. आर्टिकल 18 इज सेज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कौन सी लोकों को आमे ताको महाराजा राजा राजाधिराज जे कौन सी टाइटल्स अच्छी डाकी परिवार नहीं रीजन कौन ना कहा को आमे माने टाइटल दे परिवार नहीं कहे कि ना आम भारत वर्ष एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर एवं सोवरेनिटी कंट्री से आम कहा को टाइटल दे परिवार नहीं आमे हाँ मिलिट्री एवं जितकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्स पाई आमे समस्त को सम्मान दे परिवार तांकु टाइटल्स दे परिवार बट साधारण लोक जे भी हो ना कहेगी त कहार के आमे टाइटल्स दे परिवार नहीं. तो राइट टू प्रॉपर्टी टा आमो आर्टिकल केते माने केते रे थिला एवं ताकु उठाई दिया जाय कि केते तम आर्टिकल रखा जाय छी. राइट टू प्रॉपर्टी गोटे थिला फंडामेंटल राइट्स रे गोटे आर्टिकल थिला सही आर्टिकल को कौन आर्टिकल रु उठे निया जाए केते तम आर्टिकल रु उठे निया जाए कौन आर्टिकल रखी दिया जाए
कत तुम आर्टिकल रखी दि जाए पर स्पष्ट करदे क्वेश्चन टा आर्टिकल 19 रु उठे दिया जाए आर्टिकल 300 ए रे रखी दिया जाए ओके देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ द इन पब्लिक सेक्टर समस्त को पब्लिक सेक्टर रे समस्त को इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जीवो एटा केते तुम आर्टिकल रे अछि एटा आर्टिकल 16 रे अच्छी आर्टिकल 16 इज सेज अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑल पीपल ऑफ इंडिया इन द पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स ओके देन देखो आउ एमती बहुत प्रकार क्वेश्चन अच्छे आम डे बाय डे आम आहरी क्वेश्चन आलोचना करवा तो आज का टॉपिक को देखा आम बहुत शीघ्र तुम सिलेबस को पॉलिटी रे सारी देवा देन आसवा कौन थे ना हिस्ट्री को आसवा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को आसवा देन तुम यही आम सिलेबस को कंप्लीट कर ओके हाई कोर्ट इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 214 टू 231 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया आर्टिकल 214 रु 231 भितरे से कौन करछी ना डील्स विद द इट डील्स विद द प्रोविजन इट डील्स विद द कौन ना प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट्स मीन्स यही आर्टिकल रु यही आर्टिकल भितर से जो जो प्रोविजन्स रोचे हाई कोर्ट रो रूल्स रोचे हाई कोर्ट रो से जनावे देन देखो एट द प्रेजेंट वी हैव 24 हाई कोर्ट इन द कंट्री व्हिच इंक्लूड 3 कॉमन हाई कोर्ट्स तो एबे करेंटली केतटा हाई कोर्ट अछि हम इंडिया रे छ 24 टी हाई कोर्ट अछि ओके व्हिच इंक्लूड्स 3 कॉमन हाई कोर्ट ये तीन टा कॉमन हाई कोर्ट कौनटा मते कमेंट रे जणैबे व्हिच थ्री कॉमन हाई कोर्ट्स आर्टिकल 217 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस आर्टिकल 217 कौन करछि ना डील्स कर डील करछि अपॉइंटमेंट ऑफ द जज हाउएवर देयर इज आल्सो ए प्रोसीड्योर ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट एवं तार प्रोसीड्योर अछि रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट माने तार प्रोसीडिंग अछि जे कोन ना 217 आर्टिकल अनुसार तुम्हें जे कोनसी जज को जदि तार किछि दोषा त्रुटि भारे ताले ताको हमें रिमूव करि परबा हाई कोर्ट रु ओके एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 214 टू 231 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट इन द कंट्री व्हिच इंक्लूडेड 3 कॉमन हाई कोर्ट आर्टिकल 217 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज हाउएवर देयर इज आल्सो द प्रोसीड्योर ऑफ द रिमूवल ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट देखो देन हाई कोर्ट को आसला अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 टू 231 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इट प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द सेपरेट स्टेट बट अकॉर्डिंग टू द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द सेम हाई कोर्ट कैन बी कोर्ट मोर देन द वन स्टेट मीन्स सेवेन्थ अमेंडमेंट पूर्वर आम भारत में कौन थी ना प्रत्येक प्रोविंशियल प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्यपाई गोटे गोटे लेखा हाईकोर्ट हे बट व्वेन द सेवेन्थ अमेंडमेंट सेवेन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम्स दैट सेज दे देयर हैव नो इश्यू व्हिच द हाईकोर्ट हैज वन और मोर कोर्ट्स मीन्स द हाईकोर्ट कैन बी कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट्स ओके गोटे स्टेट रु अधिक हेई पारिबो एट द प्रेजेंट वी हैव
21 हाई कोर्ट इन द कंट्री मीन्स 21 हाई कोर्ट एबे कंट्री रे अछि त सेते 24 कहिला मीन्स सेते कोन अछि ना व्हिच इंक्लूडेड 3 कॉमन हाई कोर्ट देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट मीन्स संविधान रे कोन अछि एवं से कोन हमकु दर्शौछि बा जणौछि एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ए चीफ जस्टिस एंड नंबर ऑफ जस्टिस माने प्रत्येक हाई कोर्ट रे हम ओडिसा रा हाई कोर्ट को जिल्ला रे अछि हम ओडिसा रा हाई कोर्ट को जिल्ला रे अछि बा को ठारे अछि आमो आमर जो जिल्लार बा आमर स्टेट रो जो हाईकोर्ट अच्छी से हाईकोर्ट अच्छी कौटी ना कटक रे अच्छी ओके एवरी हाईकोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड नंबर ऑफ द जस्टिस हु डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टाइम टू टाइम मीन्स जो प्रेसिडेंट होची एकमात्र लोक हु हैज नॉमिनेट द हाईकोर्ट जज डे बाय टाइम ओके Article 217 deals with the appointment of the judges and states every judge of high court shall be appointed by the president by the warrant under his hand and seal after the constitution with the chief justice of India the governor of the state state judicial and power of the high court okay eta kon koila mu tumko bujhei duchi dekho au thare jodi bhi bujhi pan nathibo से कौन कहुची ना 217 आर्टिकल कहुची जे प्रत्येक हाईकोर्टर जज को बाछबार क्षमता कहा पाखे अच्छी प्रेसीडेट रही एवं से क्या हैंडओवर कर गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर को हैंडओवर कर भाई या अपॉइंट करो एवं या तुम राज्य हाईकोर्ट जज भाव रख मुख्य सचिव भाव रख एवं मुख्य न्यायकर्ता तो एवं ताको कौन ना अपॉइंटमेंट दियो ओके देन द गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट जुडिशिएशन पावर्स ऑफ हाई कोर्ट देन से गवर्नर से जो स्टेट रो गवर्नर अंडर तार जुडिशिएशन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट को से ग्रहण करियो ओके द पावर ऑफ जुडिशिएशन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग हेड्स देखो फर्स्ट हैला ओरिजिनल जुडिशिएशन मींस ओरिजिनल जुडिशिएशन रे कौन कहू छी देखो इट मीन्स यह कौन चीजें दैट द एप्लिकेंट कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड नॉट बाय मीन ऑफ अपील्स मीन्स सी कौन ना जे गोटे एप्लिकेंट गोटे दोषी बा गोटे लोक जहाँ पर केस चलती से डायरेक्टली अपील करी परिबो बा डायरेक्टली जाई परिबो हाई कोर्ट को एंड नॉट बाय मीन्स ऑफ अपील्स मीन्स अपील कले से डायरेक्टली जाई हाई कोर्ट रे अपील करी परिबो The power is used to following matters. देखो dispute arising out of the relating to the member of parliament and the state legislative assembly. जदि गोटे member of parliament and state legislative assembly रे dispute create होची और dispute बाहर ही आछि ताले से केसटा संगे संगे हाई कोर्ट को refer हे परि ओके relating to the marriage विषय रे law admittedly divorce means जो divorce केस रे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मीन्स कोर्टर जो नियम अच्छी कोर्टर जो रूल्स अच्छी आम न मानवा हतादर करवा तहार कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट से भी तुम्हें डायरेक्टली जाकि अपील करफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जदि जो फंडामेंटल राइट्स रो पावर जदि कि क्षुण्य हो इन आउट कर मीन्स पूरा जीव देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेज द पावर मीन्स हाईकोर्ट भी सहीपर सुप्रीम कोर्ट हेज द सुप्रीम पावर ओके cases transfer from the other court to itself which involves a question of the law okay mane cases transfer he paribo gote other court ko to itself involves the question of the law okay then dekho right of judicialization writs of judicialization by right of judicialization article 226 states that high court shall have power throughout the territories high court ro powers achi throughout the territory in the relation to which it exercises judicialization to issue to any person or authority including in appropriate case dekho eta mu au thare tumku bujhe deuchi kon koichi now article 226 states that High Court shall have power
थ्रो आउट द टेरिटोरीज माने हाई कोर्ट रो टोटली थ्रो आउट द टेरिटोरी पावर अछि इन द रिलेशन विद द एक्साइज जुडिसिकेशन टू द इश्यू ऑफ एनी पर्सन जदि प्रत्येक लोक जदि इश्यू हुए तार पर जदि केस हुए ता पर किछि एलिगेशंस आसे एंड द अथॉरिटी इंक्लूडिंग इन द एप्रोप्रिएट केस माने जे कोनसी अथॉरिटी जे कोनसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जदि सेथरे इंक्लूडेड थांती एंड एनी गवर्नमेंट जदि के गवर्नमेंट विद इन दोस टेरिटोरी डायरेक्शन और ऑर्डर्स टू द रीड्स मींस सेमाने जो हाई कोर्ट रो रीड्स आसीबो बा जो ऑर्डर्स आसीबो ताकू मानिया पई सेमाने बाध्य ही हेबे ओके एमतिया कह जाय छी देन देखो अब एपिलेट बा जाकू अपील कहा जाए ओके अपील ऑफ द जुडिसिकेशन इट इज सेड दैट द हाई कोर्ट इज द प्राइमरी कोर्ट ऑफ द अपील सो दैट इट हैज पावर टू हियर द अपील एग्निस्ट द जजमेंट ऑफ द सबोर्डिनेट कोर्ट विद इन द टेरिटोरीज इट हैज power to hear the appeals against the judgment of the subordinate court within the territories dekho kon koichi je yaro powers achi ba yaro abilities achi to hear the appeal against the judgment means प्रत्येक लोक पाखरे धर जो सपोज तुमको गोटे वर्डिक्ट दे दिया गला तुम्हें गोटे कंक्लूजन पाईगल तुम्हें गोटे माने फाइनली जो फैसला हुए जो माने जो कंक्लूजन हुए सेटा तुम्हें पाई साला परे जदि तुमको सेटा ठीक लागुनी ता उपरे ताले तुम्हें अपील करी परिबो अपील ऑफ द जजमेंट जजमेंट उपरे तुम्हें अपील करी परिबो पेटिशन जारी करी परिबो ऑफ द सबोर्डिनेट कोर्ट्स मीन द सबोर्डिनेट कोर्ट्स अछि जो उपर न्या उच्चस्थ न्यायालय अछि सेटा तुम्हें करी परिबो विदिन द टेरिटोरीज ओके से टेरिटोरी भितरे मीन्स आम इंडिया भितरे द पावर कैन बी क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी सिविल जज एंड क्रिमिनल जुडिसिकेशन सिविल जुडिसिकेशन एंड क्रिमिनल जुडिसिकेशन सिविल जोड़ी जमीवाड़ी कथा एवं क्रिमिनल जोड़ी जो क्रिमिनल केस गुटा जोड़ी हुए ओके इट्स जुडिसिकेशन इंक्लूड टू द ऑर्डर एंड द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबोर्डिनेट कोर्ट्स मीन से कौन कहे ना इन द सिविल केस रे जो जुडिसिकेशन इंक्लूड द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जो जजमेंट रो ऑर्डर आसीबो जो फैसला आसीबो जो न्याय आसीबो ताको कौन ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट रे तुम्हें अपील करी पारिबो ओके इन द क्रिमिनल केस द जुडिसिकेशन इंक्लूड द जजमेंट रिलेटिंग सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट मीन्स तुम्हें ताको अपील करी पारिबो कोठी ना एडिशनल सेशन कोर्ट रे This case should be involving imprisonment for the more than 7 years, confirming any death sentence award by the season court before executions. Means, माने तुम्हें सेथरे तुम्हें कौन करा जीवो? जदि तुम्हारो कौन सी? माने जदि 7 years रू अधिको imprisonment माने कारादंड दिया जाए थी वो? किंबा तुम्हें कौन सी murder case रहे ये है थी वो फंसी जाए थी वो? ताहले तुम्हें जाइकि अपील करी परिबो ओके 7 वर्षर अधिक कारादंड रे एवं कोनोसी मर्डर केस रे देखो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस सुपरिटेंडेंस रो पावर कौन द हाई कोर्ट हैज हिज द पावर ओवर द ओल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट दोस डीलिंग द आर्म्ड फोर्स फंक्शन इन द स्टेट मींस हाई कोर्ट रो पावर्स अछि जे सी जो ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑल एडिशनल कोर्ट ऑल सेशन कोर्ट समस्त ऊपर से हेड हो परिबो एवं ट्रिब्यूनल कोर्ट जो अच्छी सो हेड हो परिबो मींस ब्लॉक कोर्ट जोड़ा अच्छी ब्लॉक रे सब एक्सपर्ट जो माने सब आर्म्ड फोर्स ऊपर डीलिंग करथवे आर्म्ड फोर्स ऊपर जो माने काम करथवे तांको ऊपर पछाड़ी और समस्त ऊपर से काम करि परिबो हेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर इट मे कौन करछि ना कॉल फॉर द रिटर्न फॉर सच कोर्ट मींस से कौन करिबो ना जो सही वे रे कॉल फॉर द रिटर्न फॉर द सच कोर्ट मींस ताकु कहिबो जे ताकु रिटर्न करिया पई कहिबो बस सही भलिया कोर्ट को निजर अपील को निजर जुडिसिकेशन को रिटर्न करिया पई कहिबो के ना हाई कोर्ट मे इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द रेगुलेटिंग द
प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग फॉर द सर्च कोर्ट मीन्स किसी रूल्स एवं किसी रेगुलेशन जोठा आम बारंबार हाईकोर्ट में प्राक्टिस सारी थोड़ा कौन करेंगे प्रेस्क्राइब करेंगे एवं कौन करेंगे ना ताको प्रोसीडिंग रे यूज करें ओके प्रेस्क्राइब द फॉर्म इन व्हिच बुक एंड अकाउंट आर बीइंग केप्ट बाय द ऑफिसर ऑफ एनी कोर्ट्स मीन्स ये जो जार जो ऑफिशियल रूल्स बुक थी आईपीएससी धारा जो बुक्स अच्छी अकाउंट्स अच्छी एट सब क्या द्वारा कंडक्टेड हम ना कोर्टर जो ऑफिसर था गोटे सेक्रेटेरियट ऑफिसर था एएसओ वाला आउ समितिया जो तो हाईकोर्टर ऑफिसर्स जो था द्वारा कंडक्टेड हम ओके देख सेटल फी पेएबल टू द सिर्फ क्लर्क ऑफिसर एंड लीगल प्रैक्टिस जो सेटल फी सेटलमेंट फीस जो हो सेटा क्या दिहब ना शेरीफ क्लर्क दिहब ऑफिसर्स को दिहब बा लीगल प्रैक्टिशनर्स जो मैंने सब लीगल जज लॉयर्स अच्छा जो मैंने लीगल प्रैक्टिसर्स कर दि जा पार द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट प्लेस एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर द सबोर्डिनेट कोर्ट्स मैंने कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना सुपरिटेंडेंट पावर ऑफ सबोर्डिनेट कोर्ट पर कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना It is may only by the means of appeal by its person. It can be suo motu. Means suo motu means nijo shasito ba suo shasito. Okay. Suo shasito suo chalito jaha bhi koi bari. It is of the nature of the revision as the verifies the earlier judgments. In this regard, it is considered as a special function as the Supreme Court has no similar power. वाइस ऑफ द हाईकोर्ट मीन्स हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिमिलर पावर रही किसी वेरिएशंस तो निहाती ही रही सुप्रीम कोर्ट किसी पावर्स इन द सेंट्रल वेज रे अधिका रही हाईकोर्ट किसी पावर इन द स्टेट माने स्टेट वेज रे अधिका रही तो एमितिया किसी अच्छी ओके तो आज ये पढ़ा नेक्स्ट पढ़ा कंट्रोल ओवर सबोर्डिनेट कोर्ट्स टू पढ़ा ओके तो आज आम एति स्टॉप रखा ओके तो स्टे ट्यून्ड समस्त एमतिया पढ़ू था अल्प अल्प पढ़िया अल्प अल्प बुझेगा छुआ जो भी बुझीपार कमेंट्रे जो दुईज भी देख जो पांच जन भी देख से कमेंट्रे जनाओ जो सर यही जगह प्रॉब्लम रोच तेनालीरु सियोर सर्ट आउट करी टेलीग्राम नंबर भी बहुत भिडियो एथेर भी दे दूँ 7894072404 ए तुम्हें मेसेज कर सो स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी एंड पढ़ू था परिश्रम करो हार्ड वर्क करो सक्सेस श्योर मिलियो देन जय जगन्नाथ जय हिंद।